भीषण गर्मी से हाल बेहाल। जी हां, उत्तर भारत में गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। शहर शहर प्रचंड गर्मी का कहर देखा जा रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हीट वेव का सितम लोग झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का सितम लगातार जारी है। राजस्थान के भी कई जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। देश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रचंड रूप देखा जा रहा है। उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। दिल्ली से लेकर यूपी तक गर्मी का सितम जारी है। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 10 बजे से ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। बाजार में चहल पहल गायब रहती है। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में गर्मी अपने असली तेवर दिखाएगी। जी हाँ, मौसम विभाग की माने तो मई के आखिरी में तपती गर्मी और लू लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। यानी आने वाले दिनों में लू के थपेड़े खाने के लिए तैयार हो जाए। एक्सपर्ट्स की माने तो 25 मई के बाद गर्म हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर सकती हैं। बिहार में एक बार फिर से हीट वेव चलने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है। पटना, गया, औरंगाबाद समेत दर्जन भर जिले हीट वेव की चपेट में हैं। उमस भरी गर्मी काफी परेशान कर रही है। गर्मी की वजह से लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं। मध्य प्रदेश में भी तेज गर्मी का सितम जारी है। राजस्थान में भी मौसम में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते बारिश के बाद अब फिर से गर्मी देखी जा रही है। वहीं मंगलवार को प्रदेश में सबसे गर्म जिला फलोदी रहा, जहां तापमान 44.2 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। शहर शहर गर्मी से लोग बेहाल हैं। दिल्ली और यूपी में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बारिश के आसार नहीं है और 25 मई के बाद और भी ज्यादा गर्म हवा चलने वाली है। यानी हीट वेव का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना बेहद जरूरी है। दिल्ली से संवाददाता मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि लखनऊ से हमारे साथ हैं। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से। सबसे पहले मेहंदी, आपका रुख करते हुए देश की राजधानी में क्या सूरत हाल है, गर्मी को लेकर मौसम विभाग की ओर से क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल वंदना, देखिए जिस तरीके से अभी मौसम हो गया है वो किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बीते दिन की अगर बात की जाए तो कभी गर्मी तो कभी ठंडे मौसम यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा था। तेज हवाएं भी बीते दिनों यहाँ पर चल रही थी, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में बेहद झुलसती हुई गर्मी का एहसास लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि IMD और एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा कहा गया है कि आने वाले हफ्ते में दिल्ली एनसीआर का जो तापमान है वो 40 डिग्री को पार कर लगभग 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। और 45 डिग्री का तापमान जो है वो बहुत ज्यादा गर्म एक माहौल पैदा करेगा, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है। अगर आज के टेम्परेचर की बात की जाए तो फिलहाल सुबह के 8:30 बजे हैं और 8:30 बजे लगभग 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर में है। लेकिन बहुत ज्यादा लू और गर्मी, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, 12-1 बजे का समय आता है तो लू और गर्मी से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और इस तपती धूप में लोग अपने काम को निकलते हैं तो जिस तरीके से अलग अलग उपाय हैं उनको ढूंढते हैं और उनका सेवन भी करते हैं, चाहे वो छाता लेकर घर से निकलना हो या फिर सनस्क्रीन का अप्लाई ज्यादा करना हो या ज्यादा से ज्यादा पानी पीना हो, क्योंकि ये झुलसती हुई गर्मी बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। और कहीं ना कहीं IMD और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि इस साल जो गर्मी है वो अपने रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है, क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस का जो अनुमान IMD की तरफ से लगाया गया है वो कोई छोटा मोटा अनुमान नहीं है। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर दिल्ली NCR में देखने को मिलता है तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में यानी कि आज जिस तरीके से 32 डिग्री सेल्सियस है तो भी लोग गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। धूप बहुत ज्यादा तेज है, हालांकि अभी सुबह इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये दिन बढ़ता चला जाएगा, 12-1 बजे का समय आएगा और सूरज सर पर होगा तो ये तापमान और ये जो गर्मी है, धूप है, वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान। बिल्कुल मेहंदी, गर्मी से लोग परेशान है, इसलिए घरों से बाहर निकलने में भी हिचकिचा रहे हैं। और जरूरी है कि आप, अगर जरूरत नहीं है बाहर जाने की तो आप घर में ही रहें, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और इस गर्मी से आप बीमार भी हो सकते हैं। रवि भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, लखनऊ में अभी कैसा मौसम है, क्या टेम्परेचर है, मौसम विभाग का क्या अनुमान है आने वाले दिनों के लिए?
देखिए बिल्कुल, अगर अब मौसम की बात करें तो करीब 33 डिग्री सेल्सियस के करीब अभी सुबह का मौसम है और तकरीबन 8:30 बज चुके हैं। और अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है, फिलहाल अभी 2 से 3 दिन जो है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। हालांकि कल की बात करें तो कल आगरा सबसे ज्यादा गर्मी भरा रहा, यानी करीब 44 डिग्री के करीब तापमान था। उसके अलावा अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में रात में उमस होती है, दिन भर गर्मी होती है और सूरज की तपिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से अभी बीते 2 दिनों से जो हालात बने हुए गर्मी को लेकर, अभी आने वाले कुछ दिन फिलहाल राहत भरे नहीं होने वाले, तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। और फिलहाल जिस तरीके से लगातार गर्मी हो रही है, लोगों की परेशानी बढ़ी है, सुबह से ही जैसे ही सूर्यदेव के दर्शन होते वैसे ही गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है, सूरज की तपिश बढ़ती जाती है और जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें इस गर्मी से दो चार यानी परेशान होना पड़ता है। और बिल्कुल ही ये गर्मी है बेहद ही सेहत के लिए हानिकारक है। और साफ तौर पर चाहे मौसम जानकारों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल अभी 2 से 3 दिन गर्मी और बढ़ रही, ऐसे में जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो पानी का सेवन करते रहे हैं, अपने आप को कपड़ों से ढक के रखें, यानी कि खुद को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये गर्मी है जिस तरीके से बढ़ी हुई है वो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में साफ तौर पर जो लोग घरों से निकल भी रहे हैं वो अपनी सेहत का ध्यान रखें और जहाँ तक वो छाव का सहारा ले पानी पीते रहे, क्योंकि गर्मी है वो लगातार अभी बढ़ने वाली है जिससे तापमान में बढ़ोतरी रहेगी और कहीं ना कहीं जो लोग घरों से बाहर रहेंगे उनको इस गर्मी की ऐसे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वैभव भी हमारे साथ हैं। वैभव, मध्य प्रदेश में इस वक्त वेदर रिपोर्ट क्या है? बिल्कुल, आधा मई बीत चुका है लेकिन जिस तरीके की गर्मी हमने पिछले साल पड़ते हुए देखी थी साल 2023 में, उस समय गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, लेकिन इस बार कुछ उस तरह की गर्मी का सामना अब तक तो मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं करना पड़ा है। और आज के मौसम की बात करें तो आज का जो पूर्वानुमान है वो यही है कि भोपाल और इंदौर में बारिश हो सकती है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में भीषण गर्मी चलने का जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री के पार जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह की गर्मी, जिस तरह की तपिश होनी चाहिए तो उस तरह की तपिश अब तक देखने को नहीं मिली है। मौसम वैज्ञानिक ने हमको बताया है कि अब आने वाले 4 से 5 दिन जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा जाएंगे, मतलब आज की बात जो कल की हम बात कर रहे हैं, कल से जो टेम्परेचर है वो पूरे मध्य प्रदेश के बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। भीषण गर्मी पड़ने के साथ ही लू चलने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। सबसे ज्यादा गर्मी का सामना जो करना पड़ेगा वो ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी वहां पर वैसे भी ज्यादा पड़ती है। और इस बार जो गर्मी जो टेम्परेचर की बात की है मौसम विभाग ने, वो यही कहा है कि 44 डिग्री के पार टेम्परेचर ग्वालियर चंबल संभाग के जा सकते हैं। भोपाल का जो अधिकतम तापमान है वो 43 डिग्री के पार जाएगा, इसके साथ ही जो इंदौर का टेम्परेचर है वो भी 43-44 के पार रहेगा। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है, IMD ने जो मानसून है उसको लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया है कि मध्य प्रदेश में 18 से 20 में मानसून मध्य प्रदेश में दस्तक दे देगा। जो मध्य प्रदेश का जो भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर का जो हिस्सा है यहाँ पर 106% बारिश होगी, वहीं रीवा, शहडोल, इसके साथ ही जो जबलपुर है, ग्वालियर चंबल संभाग है, वहाँ 100% से कम बारिश होगी। लेकिन ओवरऑल जो बारिश की जो बात की गई है, जो मौसम जो मानसून की जो बात की गई है वो 100% रहेगा। तो कह सकते हैं कि 20 जून के बाद मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे देगा, तब लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन जो अब बाकी का समय बचा है, मतलब मई के 15 दिन और जून के जो 15 से 20 दिन रहेगा, इस दौरान लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो प्री मानसून एक्टिविटीज होती है उससे जरूर थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी, राहत मिलेगी, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। लेकिन मेहंदी गर्ग, क्योंकि लगातार साल दर साल गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, इस बार भी पाला जो पारा है वो 40 के पार जा रहा है, 45 डिग्री तक जाने का अनुमान है, इसके पीछे एक्सपर्ट्स बड़ी वजह क्या बता रहे हैं? जी वंदना, देखिए जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है तो बहुत सारे फैक्टर इसमें है। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो जो ग्लोबल वार्मिंग है एक वो बहुत बड़ा फैक्टर इस मामले में माना जाता है कि जो तापमान साल भर साल बढ़ता चला जाता है, पिछले साल से ज्यादा का टेम्परेचर इस बार भी देखा जाएगा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से पूरे एनवायरमेंट में बढ़ रही है उसको देखते हुए टेम्परेचर का बढ़ना बहुत सी आम बात है। लेकिन ये टेम्परेचर का बढ़ना लोगों की सेहत के लिए या फिर जो जनमानस, दूसरा जनमानस रहता है, उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि इस तरीके की गर्मी को सहन कर पाना एक आम इंसान के लिए या फिर जो भी जनमानस धरती पर रहता है थोड़ा सा मुश्किल साबित हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक एडेड चीजें या एडेड परेशानियां भी जिंदगी में लेके आती हैं। और गर्मी जो है वो सिर्फ धूप से परेशानी ही लोगों को नहीं पहुंचाती है, बल्कि जिस तरीके से धूप बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, तो अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे वो स्किन रिलेटेड समस्या हो या फिर लोगों को डिहाइड्रेशन की समस्या हो, तो वो समस्याएं भी लोगों की बढ़ती चली जाती है। तो मेजर
अगर वैज्ञानिकों के इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है उनकी बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कारण तापमान बढ़ने का हर साल देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि रवि भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। रवि ये बताइए कि प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं सरकारी संस्थानों में, सरकारी अस्पतालों में इस गर्मी से बचने के लिए? जी बिल्कुल, अस्पतालों की अगर बात करें तो वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, ओआरएस काउंटर अलग से लगाए गए हैं ताकि जो भी लोग अगर गर्मी से पीड़ित होकर उनकी तबीयत खराब होती है तो उसके लिए बेहतर व्यवस्थाएं रहे, इसको लेकर पहले ही व्यवस्थाएं कर ली गई है। और अगर हम शहर की बात करें तो प्याऊ की व्यवस्थाएं कराई गई है, जगह जगह पर पानी लोगों को मिलता रहे और अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं की गई है। वही लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो भी लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो जिस तरीके से गर्मी हो रही है उससे अपने आप का खुद का बचाव करें और समय समय पर पानी का सेवन करते रहें और बहुत ना हो धूप में ना रहें और अगर छाँव मिलती है उसका सहारा जरूर लें क्योंकि ये गर्मी है जिस तरीके से बढ़ी हुई है वो सेहत के लिए नुकसान पहुँचा सकती है। ऐसे में लोग जो घरों से बाहर निकल भी रहे हैं वो अपना ध्यान रखें क्योंकि सुबह से ही जब गर्मी की तबीयत शुरू होती है तो शाम होते होते वो गर्मी है वो बनी रहती है। हालांकि सुबह शाम के तापमान में कुछ कमी जरूर रहती है लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे सूर्य की तपिश के साथ में गर्मी बढ़ती रहती है, तापमान में बढ़ोतरी होती रहती है। तो जो लोग घरों से निकलते भी हैं उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। फिलहाल क्योंकि अभी 2 से 3 दिन फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है, आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, फिलहाल अभी 2 से 3 दिन के बाद साफ होगा लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी तापमान में बढ़ोतरी होगी, ऐसा मौसम के कारण साफ किया। तो जो लोग घरों से निकल भी रहे वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, क्योंकि वैभव आप बता रहे थे कि मौसम में तब्दीली होगी लेकिन उसके लिए करीब 1 महीने का इंतजार करना होगा। जून में बारिश के आसार हैं, उससे पहले जो हीट वेव मध्य प्रदेश में चल रही है उसको लेकर किस तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और क्या तैयारियां की जा रही हैं इससे बचाव को लेकर, कैसे लोग एहतियात बरत रहे हैं? बिल्कुल, जिला प्रशासन और जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जगह जगह पर प्याऊ रखवाए गए हैं। इसके साथ ही जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर स्पेशल वार्ड बनाया गया क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि मौसम में लगातार बदलाव हमें देखने को मिला, इससे मौसमी बीमारियां डिहाइड्रेशन के साथ ही कई मौसमी बीमारियां हो रही थी, एलर्जी बढ़ रही थी, एनेमिक लोग हो रहे थे, तो इसके लिए एक स्पेशल वार्ड बनाया गया, वहाँ पर स्पेशल डॉक्टर की तैनाती की गई ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े, वो सीधे डॉक्टर से मिले। अस्पतालों में ग्लूकोज की बॉटल्स भी रखवाई गई हैं ताकि लोग ग्लूकोज का सेवन करें और अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएं। इसके साथ ही नगर निगम के द्वारा, भोपाल नगर निगम के द्वारा एक खास व्यवस्था की गई है, जो कचरा वाहन होते हैं जो पूरे भोपाल शहर में घूमते हैं डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करते हैं तो उन पर स्पीकर्स लगाए गए हैं, स्पीकर्स के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें गर्मी से बचना है, अगर किसी कारण उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है दिन के वक्त तो वो किस तरह की सावधानी बरतें, किस तरीके से अपने आप को पूरे तरीके से कवर करें, अपने साथ पानी जरूर लेकर चले, नारियल पानी का सेवन करते हुए चले। तो नगर निगम के द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई है कि लोगों तक जानकारी पहुंचे। बिल्कुल वैभव, तैयारियां भी की जा रही हैं, लोगों को एहतियात बरतने के लिए निर्देश भी दिए जा रहे हैं, इसके साथ ही लोगों को खुद भी ध्यान रखना होगा क्योंकि सावधानी जरूरी है, बच्चों बुजुर्गों का ख्याल रखें, हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। वहीं दक्षिण भारत में जल्द ही गर्मी से राहत मिलने वाली है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 31 मई को केरल में मॉनसून दस्तक देने वाला है, सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। 15 जून के बाद उत्तर भारत में भी मॉनसून की दस्तक होगी। वैभव भी अभी ये जानकारी दे रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी बारिश को लेकर बड़ा अपडेट मिला है, 15 जून के बाद बारिश के आसार है, पूरे उत्तर भारत में मॉनसून की दस्तक होने वाली है, 15 जून का इंतजार करना होगा। दक्षिण भारत में भी बहुत जल्द मॉनसून दस्तक दे रहा है, केरल में 31 मई को बारिश होने वाली है, सामान्य से अधिक बारिश इस बार होने के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तर भारत में भी भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है लेकिन अभी 15 जून तक इंतजार करना होगा, 15 जून के बाद ही उत्तर भारत में मॉनसून की दस्तक होगी। मेहंदी गर्ग हमारे साथ हैं, मेहंदी मॉनसून को लेकर क्या अपडेट आ रही है, इसके साथ ही ये भी बताएं कि क्योंकि दिल्ली में लोकसभा का इलेक्शन बहुत जल्द होने वाला है उसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है गर्मी से बचाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि बारिश को लेकर जो अनुमान है वो ये है कि अगले 1 महीने तक दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को गर्मी से कोई भी राहत नहीं मिल रही है। 15 जून के बाद यहाँ पर मॉनसून हिट कर सकता है और भारी बारिश होने के अंदाजे दिल्ली एनसीआर में भी लगाए जा सकते हैं जब मॉनसून शुरू हो जाएगा, लेकिन 1 महीने तक भीषण गर्मी और हीट वेव के अनुमान दिल्ली एनसीआर के आसपास लगाए गए हैं। और अगर अब बात की जाए लोकसभा चुनावों की तो लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से हमने पिछले फेजेस में देखा कि गर्मी में भीषण गर्मी की वजह से लोग दिन में अपने घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे थे और ज्यादा 12-1 बजे के समय लोग वोट करने के लिए नहीं आ रहे थे, तो हो सकता है कि दिल्ली में जो गर्मी है उसको देखते हुए भी ऐसी सिचुएशन यहां पर पैदा हो। लेकिन अगर तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से ये तैयारियां की जा रही है कि जितने पोलिंग बूथ है वहां पर
जो पानी की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके और पानी जो है लगातार हर पोलिंग बूथ पर दिया जा सके, चाहे वो वोटर्स हो उनको या फिर जो ऑन ड्यूटी अफसर हो उन सभी को ये सभी पानी की जो व्यवस्था है वो की जाए। साथ ही शेल्टर और शेड्स बनाने की तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से की जा सकती है ताकि झुलसती हुई गर्मी में लोगों को लाइनों में कतारों में जो वो खड़े रहते हैं अपना वोट डालने के अधिकार को वो लोग आते हैं तो उनको गर्मी जैसी दिक्कत से जूझना ना पड़े क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। साथ ही इतनी भीषण गर्मी की वजह से लोगों को ये अधिकार अपना पूरा करने से रोक ना पाए गर्मी, इसको देखते हुए प्रशासन दिल्ली एनसीआर में जो 25 मई को चुनाव होने वाले हैं मतदान होने वाले हैं उसको लेकर काफी ज्यादा सजग है और हो सकता है कि इस तरीके की तैयारियां बाकी फेजेस को देखते हुए जिस तरीके से बाकी फेजेस में हमने देखा कि लोग कम बाहर निकल रहे थे गर्मी में तो उनको मद्देनजर रखते हुए ये सभी तैयारियां दिल्ली एनसीआर में चुनावों बिल्कुल 2019 के मुकाबले 2024 में जो वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है पिछले चार चरणों के दौरान उसके पीछे भी एक बड़ा फैक्टर गर्मी को ही माना जा रहा है रवि, क्योंकि धुआंधार प्रचार प्रसार भी अब पांचवें चरण के लिए लगातार चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री भी कई रैलियां करने वाले हैं, इस चुनावी कैंपेन के दौरान किस तरह गर्मी से लोगों को बचाव के लिए तैयारियां की जाती हैं? देखिए जिला प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो अभी पूरी आचार संहिता लगी हुई है और इस दौरान जो पूरा चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं और हालांकि अगर हम बात करें तो गर्मी तो लगातार बढ़ी हुई है और जिस तरह से पिछले करीब करीब एक सप्ताह से गर्मी में जैसे बदलाव देखने को मिला और लगातार तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है तो ऐसे में पानी की व्यवस्था की जाती है और जाहिर है कि टेंडर वगैरह भी रहता है ताकि जो लोग हैं वो गर्मी से उनको परेशानी का सामना न करना पड़े तो बाकी व्यवस्थाएं जो भी जरूरी होती है सभी की जा रही है ताकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ी हुई है ऐसे में लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, जो भी जरूरी इंतजाम है वो सब भी मुकम्मल रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं पहले से ही कर ली गई हैं क्योंकि गर्मी से जो भी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो अस्पतालों में अगर वो बीमार होकर पहुंचते भी है तो उनको सही से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, ORS काउंटर भी इसीलिए बनाए गए हैं तो जाहिर है कि गर्मी से बचाव को लेकर अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई है। पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील करता रहता है कि जिस तरीके गर्मी बढ़ी हुई है ऐसे लोग सेहत का ध्यान रखें, तमाम सारी संस्थाएं हैं जो प्याऊ की व्यवस्था करती हैं ताकि गर्मी से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़े तो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो की जाती है। फिलहाल अब गर्मी जिस तरीके से बढ़ी है ऐसे में लोगों को भी अपना खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ी हुई है ऐसे में लोगों की सेहत को उससे नुकसान हो सकता है तो जो भी जरूरी इंतजाम है जो ये कहें उनका इस्तेमाल करें, छाव में रहें और जो जिस तरीके से स्वास्थ्य की जानकार है मौसम की जानकार साफ किया है कि मौसम में फिलहाल अभी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और अभी जिस तरीके से गर्मी है वो अभी और बढ़ेगी तो ऐसे में लोगों को भी सेहत का ध्यान करना पड़ेगा। गर्मी सुबह से ही होनी शुरू हो जाती है और दिन होते होते गर्मी में तापमान में बढ़ोतरी होती है तो ऐसे में जो लोग घरों से निकलते भी है तो उनकी अपनी सेहत का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये गर्मी सेहत को नुकसान कर सकती है तो ऐसे में पानी का सेवन समय से करते रहे और बहुत जरूरी ना हो तो धूप में ना निकले। जी बिल्कुल, मौसम विभाग से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दक्षिण भारत में बहुत जल्द गर्मी से राहत मिलेगी, मॉनसून दस्तक देगा, लेकिन उत्तर भारत में अभी इंतजार करना होगा वैभव, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी करीब एक महीने तक अभी इंतजार करना होगा कि बारिश होगी, लेकिन उससे पहले जो हीट वेव चलने वाली है उसको लेकर चिलचिलाती हुई गर्मी से बचने के लिए कैसे उपाय किए जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं, डॉक्टर्स की क्या राय है? डॉक्टर्स का स्पष्ट रूप से यही कहना है कि बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी दिन के वक्त मतलब 12 से जो 3 बजे का जो पीक टाइम होता है जब गर्मी अपने जवाब पर होती है चरम पर होती है तब घर से बाहर ना निकले, पूरी कोशिश करें और बच्चों और बुजुर्गों को तो लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है कि बच्चे और बुजुर्गों को तो इस समय बाहर ही ना निकलने दिया जाए क्योंकि स्कूल्स भी होते हैं अभी, हालांकि स्कूलों की छुट्टी लगी हुई है तो स्कूलों को लेकर भी हर बार हम देखते हैं कि इसके पहले भी जो टाइम टेबल चेंज किया था तेज गर्मी पड़ने की शुरुआत हुई थी सुबह 7 बजे से ही स्कूल लगने की शुरुआत हो गई थी तो अस्पतालों ने स्पेशल वार्ड बना दिए हैं, नगर निगम लगातार सूचना लोगों तक पहुंचा रहा है कि इसके साथ ही जो जो सरकार है वो यही कोशिश कर रही है कि लोग पूरी कोशिश करें इस गर्मी से बचने की, इसके लिए मौसम विभाग ने भी गाइडलाइन जारी की है, सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है। ग्वालियर चंबल संभाग में चूंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ज्यादा उनको सावधानी बरतनी चाहिए तो लोगों से इंडिया न्यूज भी यही अपील करता है कि दिन के वक्त घर से बाहर ना निकले, अगर निकल भी रहे तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर लेकर जाए, अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके रखें तभी आप इस गर्मी से बच पाएंगे, गर्मी से बचेंगे और जरूरी भी है गर्मी से बचना क्योंकि जिस तरीके से हमने अस्पतालों के हालात देखे हैं जो रियलिटी टेस्ट हम करते हैं तो बहुत ज्यादा सुविधाएं ग्रामीण अंचल पर सरकारी अस्पतालों में नहीं होती, हालांकि बड़े शहरों में जरूर सुविधाओं की दावे सरकारों के द्वारा किए जाते हैं तो अस्पताल जाने से बचना है तो अपने आप को सतर्क रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी।
बिल्कुल ठीक है आपने वैभव, सावधानी बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका वैभव तमाम जानकारी के लिए। मेहंदी गर्ग और रवि आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो उत्तर भारत में भीषण गर्मी से अभी हाल ही में राहत नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में हीट वेव और ज्यादा प्रचंड रूप अख्तियार करने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अभी दक्षिण भारत में बहुत जल्द गर्मी से राहत मिलेगी, मानसून दस्तक देगा, लेकिन अभी जून तक इंतजार उत्तर भारत में करना पड़ेगा।